हे व्हाट इज अप गाइस, तो अगर आप भी अपनी जिंदगी झाड़ू पोछे में नहीं गंवाना चाहते, मेरी तो मतलब बर्बाद मैंने कर दिया। 10 साल तक मैंने लगातार झाड़ू लगाई है, पोछा भी लगाया है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। तो आज एक चीज आपके लिए लेकर आया हूं जो कि है रोबोट, और ये आप सोते रहेंगे ये उठ के अपना काम कर देगा, तो मतलब काफी सही चीज है। इसकी जो प्राइस है वो आपको पड़ेगी 24,000 रुपीज़। हालांकि थोड़ा सा घटता बढ़ता रहता है प्राइस, तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहां से आपको ओपन करना है कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एक मॉपर, और ये ब्लू कलर में है, पीछे से प्लास्टिक यहां पर अटैच है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आपको मॉपर्स देखने को मिलते हैं, इनकेस वो डैमेज होता है तो आप इनको भी काम में ले सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं, इसका कैसे यूज़ करना है इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। और यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल मिलती है, चूँकि ये एक नई चीज़ है, कोई फ़ोन या फिर कोई ईयरफोन नहीं कि आप सिर्फ अपना काम कर लेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि आपको ये रीड करने की भी ज़रूरत पड़े, लेकिन हम आपको बताएंगे कैसे करना है, तो रीड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आपको मिलती है, इसको कैसे फिट करना है, ये एक्चुअली साफ करेगा उसके लिए है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है एक वाटर टैंक, इसके अंदर अगर आपको मॉपिंग करनी है तो पानी जो है वो फिल करना पड़ेगा, तो इसको भी रखते हैं साइड में। तो ये कुछ चीज़ें हो गई, और फाइनली हमारा रोबोट यहाँ पे है जो कि है इकोवैक्स का यूट्यूब प्रो वैक्यूम क्लीनर, और मॉपर भी है, मतलब दोनों चीज़ें एक साथ होंगी इसमें, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। और ये कुछ इस तरह से दिखता है, यहाँ पे एक स्विच दी गई है, और पीछे के साइड से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको दिखता है, यहाँ पे व्हील्स लगे हुए हैं, और ये जो है ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए है। तो सब कुछ आपको दिखाएंगे, इसको रखते हैं साइड में। इसके अलावा यहाँ पे आपको ब्रशेस देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे 2 ब्रशेस इसके अंदर लगेंगे, मतलब इसके नीचे, और यहाँ पे 2 आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं, तो टोटल यहाँ पे 4 ब्रशेस आपको देखने को मिलते हैं। और ये है इसका चार्जिंग स्टेशन, ये है डॉक, यहाँ पे ये जाके अपने आप चार्ज हो जाएगा, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पे एक आपको, और ये है एक एडाप्टर, इसके अगर हम रेटिंग की बात करें तो ये 19 वोल्ट पे चलता है जो कि 0.6 एम्पियर कंज्यूम करता है। सो सारी टेस्टिंग जो है वो हमने कर ली है, और लगभग से 4 दिन यहाँ पे हो चुके हैं मुझे इसको यूज़ करते हुए। तो क्या ये वर्थ इट है, क्या आपको ख़रीदना चाहिए, और क्या रोबोट्स जो होते हैं वो सच में आपके घर को साफ कर सकते हैं अच्छे से या फिर नहीं, तो इस वीडियो में सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे इसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे कनेक्ट करना बहुत ही आसान है, आपको जस्ट अपना रोबोट जो है वो बाहर निकालना है, उसके बाद यहाँ पे एक पावर बटन है उसको प्रेस करना है, और आपको जाना है प्ले स्टोर में, या फिर अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको जाना है ऐप स्टोर में, वहाँ पे इकोवैक्स का एक ऐप मिल जाएगा, उसको आपको इंस्टॉल करना है। और इस रोबोट के ऊपर आप देख सकते हैं कि बारकोड यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको आपको स्कैन कर लेना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा आपके स्मार्टफोन के साथ में। उसके बाद आपको राउटर से पेयर कर लेना है, बस ये एकदम कनेक्टेड है और तैयार है आपकी घर को साफ करने के लिए। तो यहाँ पे चलिए कुछ यहाँ पे टेस्टिंग हमने की है तो वो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो फीचर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कि आप इसको गूगल होम से, मतलब ओके गूगल बोल के आप इसको कमांड भी दे सकते हैं कि जाओ भाई घर वर साफ करके आओ, तो ये अपने काम पे लग जाएगा, या फिर आप एलेक्सा की हेल्प से इसे कमांड दे सकते हैं तो भी ये बराबर काम करता है, और मैंने टेस्ट करके देखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हे गूगल, क्लीन माई होम। अब यहाँ पे सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि ये जो रोबोट है ये बिल्कुल भी किसी सामान से ऐसे आकर टकरा नहीं जाता कि यार गलती हो गई छोड़ दो, नहीं, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, और ये अगर उसके सामने सामान है कोई या फिर कोई चीज रखी हुई है तो ये अपना रास्ता जो है वो बदल देता है, काफी इंटेलिजेंट है। सामने की तरफ यहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि काफी अच्छे से काम करते हैं, काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो रोबोट है ये आपके घर को कैसे साफ करता है। तो यहाँ पे कुछ डेमो मैंने रिकॉर्ड किया है, इसको आप देख सकते हैं, और आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे 3 जो मेजर
यहाँ पे टाइप है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कैसे आपके घर को साफ करना है। सर्कुलर टाइप में अगर मान लीजिए कूड़ा जो है एक जगह इकट्ठा हुआ है, डस्ट है आपके घर में एक जगह पे पर्टिकुलर, आप उसी एरिया में साफ करना चाहते हैं, तो आप इसको उस मोड में ले जा सकते हैं और उसके बाद आप क्लिक कर देते हैं तो ये सर्कुलर मोड में साफ करने लगता है और काफ़ी अच्छे से क्लीन भी कर देता है। इसके अलावा यहाँ पे जो एक मोड है कि जस्ट ऐसे जिग जैग चल के ये साफ करता है आपके घर को, और ये सबसे परफेक्ट मोड मुझे लगा कि आपके घर का कोई भी जो पोर्शन है वो छूटता नहीं है, बिल्कुल आराम से ये क्लीन कर देता है। हालांकि वैक्यूम पावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड मोड था उसी में मैंने इस्तेमाल किया है इसको ज़्यादातर टाइम, लेकिन यहाँ पे एक मैक्स मोड आपको मिल जाता है जिसमें इसकी वैक्यूम की सक्शन पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपके घर में मतलब ऐसे तमाम ज़्यादा ही कूड़ा होता है तो सक्शन आप बढ़ा सकते हैं तो तेज़ी से ये खींचेगा। इसके अलावा एक और मोड है जो कि है मैक्स प्लस, तो उसमें भी आप कर सकते हैं, इसमें बहुत ही आंधी की तरह काम करता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पावर हो जाती है। और एक्चुअली हम यहाँ पे बात करें तो पावर आप बढ़ाएंगे तो हल्का सा नॉइज़ भी बढ़ जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड मोड काफ़ी अच्छे से काम करता है और मैक्स मैक्स प्लस करने की मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें कुछ और चीज़ों की, तो यहाँ पे अगर हम बात करें मॉपिंग की, मॉपिंग ये कैसे करता है, तो मॉप करने के लिए यहाँ पे नीचे एक क्लॉथ दिया गया है, हालांकि स्पेयर क्लॉथ भी आपको देखने को मिल जाएंगे बॉक्स के अंदर जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक वाटर टैंक है, साथ में डस्ट प्लस वाटर टैंक, मतलब दो टैंक आपस में कनेक्टेड है तो आपको कोई भी इशू करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक साथ झाड़ू भी करेगा और पोछा भी लगाएगा। और यहाँ पे कुछ डेमो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है और कोई भी एरिया इवन मॉपिंग में भी नहीं छोड़ता, तो ये काफ़ी सही चीज़ मुझे लगी। इसके अलावा कुछ और यहाँ पे फीचर्स हैं, जैसे कि हम बात करें बैटरी की, तो बैटरी चार्ज होने के लिए अपने डॉक पे जो जाता है अपने चार्जिंग स्टेशन पे वो काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज है। इवन फर्स्ट जनरेशन के जो हमने देखे थे रोबोट, जहाँ पे कुछ रोबोट सही से काम नहीं कर पाते थे, मतलब चार्जिंग स्टेशन ही अपना भूल गए, बट इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो बैटरी लाइफ है वो भी काफ़ी सही है, अप्रॉक्स 2 आवर्स जी हाँ कंटिन्यू ये वर्क कर सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट मैंने लिए थे, फिलहाल एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग से यहाँ पे 1200 से ज़्यादा स्क्वायर फीट मैंने क्लीन किया था एक बार में, और ये 90 मिनट्स के आसपास इसने साफ कर दिया था ये, और इसके बाद भी इस जो रोबोट है इसमें बैटरी बच गई थी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, चूंकि ये एक रोबोट है कोई इंसान नहीं है, तो आपके जो कॉर्नर्स होते हैं उनको ये रगड़ रगड़ के साफ बिल्कुल नहीं करेगा, ये आपको खुद करना पड़ेगा। एक्चुअली में यहाँ पे काम कैसे होता है कि मतलब अगर आप अकेले दुकेले रह रहे हैं, मतलब एक दो लोग हैं जिसके पास टाइम नहीं है, जैसे कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जैसे मेरे पास ही टाइम थोड़ा कम रहता है, तो ये काफ़ी सही है कि अपने आप जस्ट मॉर्निंग में आप शेड्यूल कर दीजिए, ये अपने आप काम करेगा और आपका घर साफ करेगा, मॉप करेगा, वैक्यूम करेगा, उसके बाद अपने स्टेशन पे आके ये चार्ज होने लगेगा, तो उस केस में काफ़ी सही और मेरे लिए काफ़ी सुटेबल भी रहा। मुझे नहीं लगता कि क्लीनिंग में कोई कमी है। इवन यहाँ पे एक मेरा एडवाइस रहेगा कि अगर आप महीने में 2-4 दिन खुद से साफ करिए, मतलब हफ्ते में आप 1 दिन खुद से साफ करिए अपना घर और 6 दिन इससे साफ करवाइए तो काफ़ी बैलेंस रहता है। फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपके घर में पेट वगैरह होते हैं तो उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर सामने बैठे हैं तो ये अपना रास्ता जो है वो चेंज कर देगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ मुझे लगी कि अगर कारपेट वगैरह आपने रखा है तो उसको भी काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देता है, बट अगर आपके कारपेट में धागे थोड़ा ज़्यादा मतलब निकले हुए हैं बड़े बड़े लंबे लंबे तो उसमें थोड़ा सा ये उलझ जाता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा इसे हेल्प करके देना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई दिक्कत मुझे नहीं लगी है। हालांकि ये जो चीज़ है वो सारे रोबोट्स के साथ में देखने को मिलती है, सिर्फ इसी के साथ में नहीं है, और आने वाले समय में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो काफ़ी अच्छे से डेवलप होगा, और आपको पता है कि इसमें AI है तो आपके घर को ये पूरा मैप कर लेता है और कहाँ पे क्या चीज़ें हैं या फिर रास्ता कैसा कैसा है, तो धीरे धीरे ये सीखता है, मतलब खुद ये लर्न करता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। और आने वाले टाइम में AI यार नेक्स्ट लेवल पे जाएगी और रोबोट्स ही नहीं आपको काफ़ी सारे चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी बात करते हैं कि प्राइस कितना है, तो यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा लगभग से 23,000 रुपीज़, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है सेल के अकॉर्डिंग, तो आप जाके अमेजोन से बाई कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो आई होप कि आपको एक नया गैजेट पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।